Hello friends, the today's topic is trigger sweep oscilloscope. A waveform in CRO may not be periodic but occur at irregular interval. यानी कि सीआरओ में जो हम वेवफॉर्म की स्टडी करते हैं बेसिकली पीरियोडिक की हम ज्यादातर स्टडी करते हैं. जब हम अपने लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं तो हम साइन सिग्नल रैंप सिग्नल की स्टडी करते हैं जो कि हमारे एक तरीके से हमारे पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं. लेकिन हर बार पीरियोडिक सिग्नल हो ऐसा जरूरी नहीं है. कभी कभी क्या होता है वो हमारे इरेगुलर इंटरवल पे अकर करने वाले सिग्नल्स होते हैं, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं. इन दिस केस इट इज डिजायरेबल दैट द स्वीप सर्किट रिमेन्स इन ऑपरेटिव एंड द स्वीप be initiated by the waveform under examination. ऐसे केस में हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा स्वीप सर्किट है, जो हमारा स्वीप सर्किट हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जो हमारा पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, हम यूज करते हैं, वो हमारा काम ना करे, इन ऑपरेटिव रहे, ऑपरेशन में ना हो, एंड द स्वीप बी इनिशिएटेड बाय द वेवफॉर्म अंडर एग्जामिनेशन. यानी कि जो भी वेवफॉर्म हम नॉन पीरियोडिक वेवफॉर्म हमने एग्जामिनेशन के लिए हमने डाली है, इनपुट पे दी है हमने, वही हमारा स्वीप की तरह स्वीप को इनिशिएट करे, स्वीप को वो ऑपरेट करे. ठीक है. इन सम केसेस द वेवफॉर्म इज पीरियोडिक फॉर अ वेरी शॉर्ट व्हाइल लाइक इन म्यूजिक. यानी कि म्यूजिक जैसे है उसमें कुछ समय के लिए एक वेवफॉर्म हमारी जो है वो पीरियोडिक होती है, लेकिन उसके बाद वो उसका रेगुलर इंटरवल नहीं होता है. रेगुलर इंटरवल के लिए हमें वो मिलती है. तो उस छोटे से समय को हम अगर स्टेट सैंपल की तरह लेके हम उससे स्टडी करें तो उससे हम पूरे सिग्नल के सिग्नल को स्टडी. ठीक है. ठीक है. इन दैट केस अ ट्रिगर स्वीप इज यूज टू स्टडी द रिस्पॉन्स ऑफ नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स. यानी कि ऐसे केसेस में जो ट्रिगर स्वीप है, अगर हम ट्रिगर स्वीप जो हम जो वैसा स्वीप जो कि इनिशिएट हो वेव फॉर्म अंडर एग्जामिनेशन से, ठीक है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए बेसिकली यूज करते हैं, उसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं. ठीक है. उसके बाद इन ट्रिगर स्वीप और अ सिंगल स्वीप द स्पॉट इज स्वेप्ट वंस अक्रॉस द स्क्रीन इन द रिस्पॉन्स ऑफ अ ट्रिगर सिग्नल. यानी कि जो स्पॉट हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से के थ्रू जो हमारा स्वीप से हमारा लेफ्ट टू राइट मूव करता है उसे हम ट्रिगर स्वीप या सिंगल स्वीप से एक बार हम उसको स्वीप को हम उसे पॉइंट स्पॉट को हम क्या कर सकते हैं, हम उसे रिस्पॉन्स के लिए उसे ट्रिगर कर सकते हैं, सिंगल टाइम उसे कर सकते हैं. द ट्रिगर स्वीप इज यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजियंट और वन टाइम सिग्नल. यानी कि ट्रांजियंट सिग्नल या फिर जो वन टाइम सिग्नल है उसके लिए हम ट्रिगर स्वीप का यूज करके एंड द वेवफॉर्म इज फोटोग्राफ फॉर रिकॉर्ड. उसको हम फोटोग्राफ कर सकते हैं, उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. हम रिकॉर्ड बनाने के लिए उसकी स्टडी करने के लिए हम उसको फोटोग्राफ की तरह हम उसकी फोटो ले सकते हैं. ठीक है. हेयर द ट्रिगर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सिग्नल अंडर इन्वेस्टिगेशन और द एक्सटर्नल सिग्नल. यानी कि जो हमारा ट्रिगर जो हमें करना है स्वीप को वो हम कैसे करेंगे, या तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हम सिग्नल टेस्ट सिग्नल जो हम अप्लाई कर रहे हैं उससे कर सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल सिग्नल को यूज करके हम उसे भी ट्रिगर कर सकते हैं. तो इस तरीके के जो हमारे ऑसिलोस्कोप्स होते हैं बेसिकली वो ट्रिगर स्वीप ऑसिलोस्कोप्स होते हैं जो कि नॉन पीरियोडिक सिग्नल की स्टडी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. तो बेसिकली ये डायग्राम देखिए, इसमें एक हमने यूजेटी यूज किया है और ट्रिगर इनपुट दिया है कैपेसिटर को. ठीक है. तो आप इसकी वेवफॉर्म से देख सकते हैं कि जिस समय ये ट्रिगर होगा उस समय हमें डायोड ऑन होगा. ठीक है. उसके बाद ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर उसके बाद होल्ड टाइम आ जाएगा. तो ये जो आपका आएगा वो होगा रिट्रेस पीरियड. ये जो टीएस है ये होगा आपका स्वीप पीरियड, जैसे कि आपने स्वीप जनरेटर में देखा है. क्या ये जो कि टीएच क्या है, ये जो कुछ समय के लिए होल्ड हो जाती है आपकी डीवीडी आउटपुट वेवफॉर्म, ये आपका होल्ड पीरियड है. ठीक है. तो ये बेसिकली आपका ट्रिगर स्वीप ऑसिलोस्कोप का फंक्शन है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.